एक दरवाजे ने दो परिवारों के बीच में जमकर विवाद करवा दिया। यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को झगड़ा ना करने की नसीहत दी है। देहरादून के विजय कॉलोनी में दो परिवारों में दरवाजा निकालने को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। दूध का कारोबार करने वाले यादव परिवार पर दूसरे पक्ष ने गैर कानूनी तरीके से दीवार तोड़कर दरवाजा निकालने का आरोप लगाया तो दूसरे पक्ष कोठारी परिवार ने सार्वजनिक मार्ग को बंद कर आने जाने पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर इनके बीच कई बार मारपीट होने पर मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। रूपाली यादव ने आरोप लगाया कि उसके और उसके परिवार के साथ कई बार मारपीट की गई और आने जाने वाले रास्तों पर गाली गलौज की जाती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार का कहना है कि यादव परिवार अपनी बेटी को आगे करके महिला होने का फायदा उठाकर सचिन कोठारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उन्होंने क्या किया कि मेरे घर के पास जो है सब ये सीवर का जो पानी है ये डालने लग गए घर पे और वहाँ पे जमा कर दे गोबर वगैरह। और आप जैसे जानते हैं कि डेंगू का टाइम चल रहा है आजकल, तो इससे मैं और मेरा परिवार बीमार भी हो गया। तो मैंने ये चीज़ मैंने सत्येंद्र नाथ जो पार्षद है मैंने उनको भी बताया। इवन मैंने क्या नाम है CM हेल्पलाइन में भी डाला और मैंने 112 पे भी फोन कर दिया। चलो पुलिस वाले आ गए तो इन्होंने क्या किया, जो पड़ोस में सचिन कोठारी, सुनीता कोठारी और राहुल कोठारी, इन्होंने जो ये देशराज यादव ये सब करके जो है पड़ोस वाले इनको इकट्ठा कर दिया और मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाने लग गए बाकायदा वहाँ कैमरा उनके बावजूद सर। तो मैंने वहाँ पे फेसबुक पर भी लाइव हुई कि मैंने कहा ये ऐसे हमें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने फेसबुक पर वो वीडियो डाल दिया। सर ये मेरे जो घर का रास्ता है इस पर कब्जा करने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर कई कातिलाने हमले भी किए और मैंने कई बार कंप्लेंट भी की, प्रशासन से भी की, सबसे की, लेकिन ये लड़की अपने लड़के होने का गलत फायदा उठा के कभी बलात्कार का आरोप लगाती है, कभी लड़ाई झगड़े का। मैं इसमें अभी तक 18 जमानतें करा चुका हूँ तो ये सारे उनसे सारे पुराने बैठे हैं जितने भी है, ये हमारे घर में जितने भी लोग हैं इनसे सबसे पुराने हैं सारे ये, और हम बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इनको अभी भी 20 साल हुए हैं, ये बोलते हैं कि ये हमारा रास्ता, अगर इनका रास्ता था तो इनका दरवाजा होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। ये जबरदस्ती अवैध कब्जा करने के कारण इनका गेट आगे की तरफ है, चाहे तो आप देख सकते हैं जाके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।